देशभर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं दिल्ली के ढांसा बॉर्डर पर सैकड़ों किसान एकजुट हुए। दिल्ली देहात के किसानों ने 13 महीने तक इसी ढांसा बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया था और आज इसी जगह से तिरंगा फहराया। मैं पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनको मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ जिसने अपना बलिदान दे के इस देश को आज़ाद करवाया। आप लगातार जो देख रहे हो ढांसा बॉर्डर पे लगातार 13 महीने जो आंदोलन चला हमारा, किसान आंदोलन चला, दिल्ली की अगर सीमा की बात करें तो ढांसा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चार बॉर्डर थे वे रुके हुए थे, उसमें ढांसा बॉर्डर भी वही है जो 13 महीने लगातार किसानों ने घेरने का काम किया। वही हम 26 जनवरी को और 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का काम करते हैं। हम तो आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो किसान है वे 36 बरादरी है, भाईचारे को आप खराब ना करो। जो हम सुन रहे हैं कुछ लोग जो एक 15 दिन से जो जिक्र चल रहा है मेवात का, उसके बारे में सभी अपने भारतवासियों को, सभी भाई किसान भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि ये कुछ लोग जो पार्टीबाजी बना के भाई को भाई लड़ाने का काम करिए या हिंदू मुस्लिम का काम करिए, उस बातों में ना हो और हम सभी किसान भाई हैं, 36 बिरादरी भाईचारा बना के रखें। तिरंगा भाई, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, पूरे देश की जनता को चित्र स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और हम उन शहीदों को याद करते हैं आज के दिन जिन्होंने आज़ादी दिलवाई थी। और 13 महीने हम ढांसा बॉर्डर बैठे, उसके बाद 26 जनवरी या 15 अगस्त हो, हम हर बार यहाँ पर झंडा फहराते हैं।